दिनांक 20/7/2021 को ग्राम चौगावों में हिंदू युवा वाहिनी की एक बैठक संपन्न की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी ने की। इसमें अनेक विषयों पर बातचीत की गई, प्रस्तुत हैं इन बातचीत के कुछ अंश। चल रही है, अभी मुसलमानों की चर्चा चल रही थी, महाराज श्री बता रहे थे कि गांव के अंदर 200 मुसलमान 1200 हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, तो ये कमी कहाँ है? कमी है हमारे संगठित ना होने। आपको मैं परिचय दे दूं, मैं महंत नरेंद्र गिरी महाराज, मोहनपुर गांव पड़ता है, हल्दौर से चांदपुर रोड पर, माता लक्ष्मी जी का गणेश जी सिद्धपीठ स्थान है, वहाँ का पीठाधीश्वर हूँ। और 16 साल की एज में मैंने घर बार छोड़ के संन्यास जीवन अपना लिया था। फिर हिंदू युवा वाहिनी के अंदर मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बना, लेकिन 5 साल बाद का जो मिशन है वो है हमें हमारा कि हम चाहते हैं कि हमारे माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एक बार लाल किले से भाषण दे, के लिए हमें पूरे भारत में काम करना पड़ेगा। पूरे भारत के अंदर हिंदू युवा वाहिनी अब कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश अपना घर है, अपना गढ़ है, यहाँ के हम रहने वाले हैं, योगी जी भी यहीं पे रहते हैं, तो इसे मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। कि घर मजबूत होता ना तो भारत ऑटोमेटिक ही मजबूत हो जाएंगे। अब जैसे हमारा क्या है, हम हिंदू युवा वाहिनी वाले हैं, हमें तो वैसे भी कह देते हैं ये भगवाधारी जो आतंकवादी है, दंगा कराते हैं या करते हैं। तो मैं आपसे बता दूँ, देखिए हमारे पास सिस्टम क्या है, हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़के हैं परिवार में, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, गलत कार्य कभी करेंगे नहीं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप हिंदुस्तान की जितनी जेलें हैं ना, सबके सर्वे करा के देख लो, सबसे ज़्यादा कौन भरा पड़ा है? उच्चे पजामे वाले भरे पड़े, पंचर जोड़ने वाले भरे पड़े हैं, जाली टोपी लगाने वाले भरे पड़े। और ऐसे ऐसे केसों में है कि हमारा भाई या हमारा बच्चा तो सोच भी नहीं सकता उस कांड को करने के लिए, जैसा उनका चल रहा है। और सिस्टम क्या है, हमारा समाज जो है ना, अपने लड़के को बढ़िया स्कूल में पढ़ाएगा, अच्छी शिक्षा दे, मतलब किसी चीज़ के में क्या करेगा कि मेरा बेटा DM बन जाए। हमें हमारे जो गांव से जो हमारी बहन बेटी शहर जाती है पढ़ने के लिए, हमारे उसमें बहुत तेज़ी से चल रहा है, ईसाइयों द्वारा चला जा रहा है, जिसे लैंड जिहाद, लव जिहाद जो चल रहा है सिस्टम, 20,000 हिंदुओं की लड़कियाँ एक साल में मुस्लिम बन रही हैं। और उन 20,000 में से ना लगभग 2% बचती है, वरना 18% ना किसी बैग में पैक मिलती है या किसी कट्टे में पैक मिलती है, क्योंकि इन लोगों ने जिहाद छेड़ रखा है। मस्जिद में पैसा आ रहा है, 50,000 रुपये लड़के को दिए जाते हैं कि जा हिंदुओं के मंदिरों के चक्कर काट, जा हिंदुओं के जो कॉलेज उनके चक्कर काट। बाइक जो उसे रेसर बाइक दी जाती है, इस पर उसका मेन मकसद यही है कि किसी भी तरकीब से एक लड़की को फंसाना हिंदू धर्म की। बाकायदा पूरी इनके रेट लगे हुए हैं, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 जैसे जैसे है ऐसे ऐसे पूरा रेट है। अभी पीछे हिंदू महासभा ने एक व्यक्ति को पकड़ा था, उसे कटवे को, तो उससे जब बातचीत करी उन्होंने कैमरे के सामने, तो उसने खुद कबूल किया था कि हमारे जो बड़े उलेमा हैं उससे। और ये खाली ये नहीं है कि मुजफ्फरनगर का या बिजनौर का या उत्तर प्रदेश का ही मुसलमान है, इसमें नीचे से ऊपर तक भरे पड़े हैं जो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं लव जिहाद को, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, खिलाड़ी हो, सबका सिस्टम आप देख ही रहोगे क्या क्या चल रहा है इसमें देश के अंदर। तो हमें सबसे पहले अपने गाँव में, हर गाँव में 11, 5, 15 लड़कों की टीम बनानी चाहिए। मेरा शुरू से एक ही कहना है जब से मैं संगठन में आया हूँ कि अगर दो भाइयों का झगड़ा होगा, यानी कि हिंदू हिंदू लड़ेंगे, मैं किसी की भी तरफ से ना तो मैं किसी को फ़ोन करूँगा अधिकारी को, और ना तुम्हारी किसी एक दोनों में से एक की सपोर्ट करूँगा। इतना कर सकता हूँ कि फैसला कराने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन आपस में नहीं करूँगा। और अगर हाँ तुम्हारा किसी मुल्ले से झगड़ा है, दाढ़ी वाले से झगड़ा है, टोपी वाले से झगड़ा है, तो आप पीछे खड़े हो जाना, सबसे आगे हम खड़े होंगे, हम देखते हैं उस जाली टोपी वाले को। देखते हुए कार्य चल रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारी, अभी चुनाव आने वाला है, योगी जी को दोबारा से लखनऊ में मुख्यमंत्री बनाना है। और आपको पता है जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं
तो कैसा उत्तर प्रदेश चल रहा है, कैसा सिस्टम है क्या नहीं, वरना दिन छिपते के साथ ही ना लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। और आज जब से योगी जी आए ना, कहीं भी घूमो कहीं भी कुछ करो कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वरना जहाँ भी पता चल रहा था, जैसे 2000 कुछ पुलिस वालों की हत्या हुई थी 5 साल में अखिलेश की सरकार में, पूरे उत्तर प्रदेश में 2000 कुछ की, और थानों की तो कोई संख्या ही नहीं कितने जलाए गए थे।